जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं, बेटी यदि उपाय करे तो माँ बाप भाई सुखी हो जाएं। जी हाँ, बेटियों की दुआएं परमात्मा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि बेटी से के दिल से निकली हुई दुआ सीधी परमात्मा तक पहुंचती है। हम जब पाठ कर रहे होते हैं तो परमात्मा के श्री चरणों में हमारा पाठ पहुंच रहा होता है। जब हम ध्यान लगा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या किसी से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो वह प्रभु बहुत प्रेम से हमारी बातें सुन रहे होते हैं। जब बेटी अपने माँ बाप अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है तो परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। तो आइए बताता हूं कि बेटी को करना क्या है। यदि बेटी दिल से माँ बाप भाई इनके लिए कोई प्रार्थना करती है और ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं करती है तो उनका मंगल हो जाता है, वह बहुत सुखी हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। मान लीजिए भाई पर बाप पर कोई कर्जा है तो वो कर्जा उतर जाएगा। मान लीजिए कि भाई या बाप शराब पीते हैं, यदि बेटी लगातार ये उपाय करती रहे तो वह सुधर जाएंगे, यदि उनका कारोबार नहीं चल रहा है तो चलेगा। अनेकों बार क्या होता है कि हमारे पर्याप्त साधन यानी हमारी जो पाठ पूजा है, हमारे कर्म हैं, उनसे सब कुछ हो नहीं पाता है तो फिर किसी तीसरे की दुआ लगती है। शिरडी में मैं बैठा था तो एक भक्त थी मिन्नी, वो दिल्ली से हैं, रोहिणी से। वो मेरे को कहती, भैया एक बार मैं स्कूल में पढ़ती थी, बहुत छोटी थी, तो टीचर ने मेरी पिटाई कर दी और मैंने कह दिया कि हे साईं प्रभु टीचर मर जाए। कहती टीचर मर गई। कहती मेरे को बहुत दुख हुआ कि भाई मेरे कहने से टीचर मर गई, ये साईं बाबा ने क्या किया, उन्होंने मेरे मन को क्यों नहीं बदला, उन्होंने मेरी पुकार क्यों सुन ली। मैंने एकदम मैं भी परेशान हो उठा, मैंने कहा मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, जब मैं पाठ में बैठूंगा मेरे साईं जब मुझे जवाब देंगे तब मैं बेटा तेरे को ये जवाब दूंगा। जब मैं पाठ में बैठा था द्वारका माई शिरडी में तो एकाएक आभास हुआ कि वो औरत यानी वो टीचर बहुत दुखी थी। तब मैंने उसे जवाब दिया कि तेरी टीचर बहुत दुखी थी और उसकी मृत्यु हो नहीं रही थी, वह बीमारियों से भी ग्रस्त थी, उसे गंभीर बीमारियां थी। तब वो बोली हाँ उसे थी, पहले नहीं बताया, और फिर कहती हाँ वो परेशान थी। तो परमात्मा ने क्या किया कि उस टीचर के कर्म इतने नहीं अच्छे थे कि उसके वो दुख कट जाते, जो बाकी समय बचा था दुख वाला बचा था, लेकिन अच्छे कर्म नहीं थे जिस कारण दुख झेलना पड़ना था। तो परमात्मा ने जब भला करना होता है किसी तीसरे से दुआ करवा देते हैं, जैसे उन्होंने मिन्नी नामक उस बच्ची से दुआ करवा दी और उसके दुआ करने से क्या हुआ कि भाई उसके कर्मों में उसकी दुआ मिल गई, जो उसने मांग की वो उसमें मिल गई और उसे मुक्ति मिल गई। वो मौत नहीं थी, वो मुक्ति थी। कभी परमात्मा ऐसे किसी के कहने पर किसी को नहीं मारते हैं, परंतु जब मुक्ति होनी होती है तब परमात्मा जरूर करते हैं। आपका कोई दुख कम होना है तो किसी तीसरे की दुआ आपको लग सकती है। कहते हैं ना, मैं तो बार बार समुद्र में गिरता हूं, पता नहीं कौन मेरे लिए पाठ करता है, लहरें फिर बाहर फेंक देती हैं। तो कोई ना कोई आपके लिए दुआ आपके लिए पाठ कर रहा होता है। जब कोई आपके लिए पाठ कर रहा होता है, जब कोई आपके लिए दुआ कर रहा होता है तो आपके दुख अपने आप मिटने लगते हैं। आप कहेंगे कहां से बात कहां ले गए, मालूम नहीं क्यों आज दिल किया कि आपको कुछ पुरानी बातें भी सुनाऊं।
तो आइए अपने विषय पर आते हैं कि बेटी यदि चाहे तो माँ बाप का घर सुखी हो सकता है, सभी प्रकार के दुख दूर हो सकते हैं। कैसे? बेटी शनिवार के दिन पीपल का कोई ऐसा पत्ता उठाकर लाए जो जमीन पर गिरा हो। समय दोपहर 12 से लेके शाम 5 बजे के मध्य का होना चाहिए। उस पत्ते को घर में ले आए। अब जिस परमात्मा को वह मानती है, जिस गुरु को वह मानती है, उसका नाम उस पर लिखना है। जैसे रामचंद्र जी को मानते हैं राम राम राम, यदि आप वाहे गुरु जी को मानते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु, साईं बाबा जी को मानते हैं साईं साईं साईं, और उसके लिखने के पश्चात यानी काफी बार लिख लें, जितना ज्यादा लिख सकते हैं लिख लें। तत्पश्चात उस पत्ते को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा रूम में रख दें, और एक कॉपी आप पहले से ही लाकर रखें जिसमें आपने सारी कॉपी उसी नाम से भरनी है जिस नाम से आपने पत्ते पे लिखा था, जिस परमात्मा का, वो पूरी कॉपी भरनी है। वो एक दिन में नहीं, जितने दिन लगते हैं लगाइए, जब दिल करे रात को सुबह दोपहर जब भी दिल करे लिखना शुरू कर दीजिए। बस एक बात है कि शुरुआत करते वक्त जोत जलानी है, धूप जलानी है, प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, कलयुग ने हमें बहुत संताप दिए हैं, कलयुग ने हमें बहुत दुख दिए हैं, हे प्रभु, मुझे पैदा करने वाले, मेरे साथ पैदा होने वाले मेरे भाई माँ बाप सब दुखी हैं, आप हे प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि उनके दुख दूर हों। यदि आपको दुख पता है तो आप मतलब अपने हिसाब से प्रार्थना कर दीजिए। रोजाना फिर लिखना है, और जब जब आपने लिखना है तब तब आपने प्रार्थना जरूर करनी है, एक लिखने से पहले एक लिखने के बाद। अब ऐसी 5 कॉपी आपने भरनी है, और हर नई कॉपी से पहले एक पीपल का पत्ता लेके आना है। यदि एक हफ्ते में भर सकते हैं 5 तो फिर पहली बार में ही 5 पत्ते ले आए, नहीं तो फिर एक एक करके पत्ता लाए, लेकिन पत्ता शनिवार को ही लाना है। 5 पत्ते इकट्ठे लिख कर भी आप रख सकते हैं यदि एक हफ्ते में खत्म कर लेनी है तो, क्योंकि वो एक कॉपी को एक हफ्ते में खत्म करना ही पड़ेगा। यदि 5 कर सकते हैं एक हफ्ते में तो आप 5 कर लीजिए, नहीं तो फिर उतने ही पत्ते लाइए जितने कॉपी आप शनिवार से पहले पहले लिख लेंगे, वरना कॉपी बेकार हो जाएगी। यदि आपने नहीं लिखा, कुछ पेज रह गए तो फिर वो खत्म। तो ये आपने करना है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि वो 5 कॉपी और वो पत्ता लाल कपड़े में लपेट कर जाकर अपने भाई या अपने पिता को दे देने हैं अपने हाथों से, और कॉपी के पैसे उस समय उनसे ले लेने हैं, जितने की आई है उतने, जितना रिक्शा पर खर्च हुआ टोटल सारा खर्चा लेना है, 10-20-50 रुपए ज्यादा ही ले लेना, मौका होता है कमाने का। और फिर वहां भी दुआ करनी है कि मेरे परिवार का सुख हो, और हाथ में पानी लेकर उस समय संकल्प करना है कि मैंने ये जितना पाठ किया है मैं अपने परिवार को देती हूं। ऐसा आपने 5 करना है, यानी ये क्रिया 5 करनी है, तो आपके मायके सुखी हो जाएंगे। अब आप जानना चाहेंगे इसमें क्या खास है, आखिर ऐसा क्यों होगा। एक्चुअली ये पॉजिटिव वाइब्रेशन का चक्र है सारा। जैसे जादूगर जादू करता है, बाद में कहता है जी ये हाथ की सफाई है, तो मैं भी जितनी बातें करता हूं एंड में एक ही बात कहूंगा, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये 2 वाइब्रेशन है। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन लेंगे तो अच्छा अच्छा होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन लेंगे तो बुरा बुरा होगा। लोग कहते हैं कि मेरे पास पॉजिटिव वाइब्रेशन का खजाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पाठ कीजिए, जो खजाना आपको मेरे पास नजर आता है वो आपके पास भी आ जाएगा।
खुश रहिए, पाठ कीजिए, दूसरों को खुश कीजिए। अब बहुत से लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं जब व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो बहुत दिनों तक जवाब नहीं मिलता। कई बार मतलब बहुत दिन तो नहीं, 2-3 घंटे भी लेट हो जाऊं तो बहुत बुरा भला बोल देते हैं। मैं क्या बताऊं आपको कि कई बार तो मैं भी दुखी हो उठता हूं कि इतना गलत क्यों बोल दिया गया। परंतु कोई बात नहीं है, भाई बहन है मेरे, मुझसे प्रेम करते हैं, आशा रखते हैं मुझसे, परंतु मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी गृहस्थी है, तो मैं भी कई बार लेट हो जाता हूँ, इसलिए माफ कर दिया कीजिए। जब मैं लेट हो जाऊँ ना तो माफ कर दीजिए कीजिए, गुस्सा मत किया करें मेरे पे। मेरे साथ भी कोई रिश्ता बना लो आप लोग, कोई मुझे भाई बना लो, कोई मुझे बाप बना लो, कोई मुझे चाचा मामा ताया, जो दिल करता है बनाओ, एक रिश्ता जरूर बनाओ। मैंने 17 साल चप्पल नहीं पहनी थी ये सोचकर कि मैं वृद्ध लोगों के लिए एक वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, मंदिर बनाऊंगा और उसमें सभी के साथ एक रिश्ता बनेगा। तो मेरा दिल करता है कि पूरी दुनिया के साथ रिश्ता हो, जितने चाहने वाले हैं कोई ना कोई रिश्ता रखते हैं। तो मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कि वो ये उपाय करें और जिस ढंग से मैंने कहा है वैसे करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको सारे वीडियो मिलने हैं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको और मेरा रिश्ता आज के बाद यहीं पर, पता नहीं बाद में मेरा वीडियो आपको मिले या ना मिले। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके मोबाइल पर मैसेज आया करेगा। और हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि यदि कोई सवाल हो तो कृपया व्हाट्सएप पर लिखिए। जब आप व्हाट्सएप पर लिखेंगे तो मैं जवाब दूंगा आपको 24 घंटे में, 30 घंटे में, और 2-4 घंटे कभी ज़्यादा भी लग जाए तो गुस्सा मत किया कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बंदे को बीमार हो सकता है, कोई रास कभी कभी ट्रैवलिंग करनी पड़े तो वहाँ थोड़े मैसेज पड़े जाएंगे। तो आप वेट कीजिए, जवाब आपको जरूर मिलेगा। फ़ोन मत करें, फ़ोन करना हो तो बहुत एमरजेंसी हो तब फ़ोन कीजिए, वैसे मत कीजिए। तो आपको दो मेरी रिक्वेस्ट हैं, एक सब्सक्राइब कीजिए, एक फ़ोन कीजिए, और तीसरी आज एक और रिक्वेस्ट है कि पाठ जरूर किया करें। पाठ करने से आपको बहुत लाभ मिलता है, बहुत सुख मिलता है, बहुत वाइब्रेशन मिलती है। अपने घर में जो पोछा लगाते हैं उसमें भी नमक डाला करें, इससे भी नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होती है। तो ये सब कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।